हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिवाइन फेमिनाइन का थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ जो भी न्यूली अवेकन है। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बहुत बड़ा मनी ब्लॉकेज हो सकता है, भले ही वो अच्छे घर में पैदा हो, कुछ भी हो, बट कार्मिक से जब वो रिलेशन में आती है या कार्मिक से उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसकी बैंड बजना शुरू हो जाती है। सडन से उसका जो है मनी ब्लॉकेज इतना बड़ा होता है, हर चीज़ के लिए वो महंगी हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स डिवोर्स भी होते हैं, सेपरेशंस भी होते हैं कार्मिक के साथ भी। ऐसे में कार्मिक कभी भी कोई सुविधा, कभी भी कोई अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता। कार्मिक आपसे हर चीज़ छीनता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ही मतलब लाचार असहाय जैसी लाइफ हो जाती है। और फैमिली भी जो कार्मिक होती है डिवाइन फेमिनाइन की, वो भी उनकी उतनी हेल्प नहीं करती, भले उनका स्टेटस अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपने कभी सोचा ही नहीं होता है कि आपके भी दिन बदल सकते हैं। सडन से जब आपकी कुंडली अवेकनिंग होती है, ये प्रोसेस होता कब है, जब आपकी कुंडली अवेकनिंग होती है। डार्क नाइट ऑफ सोल में ऐसा कुछ नहीं होता, जब कुंडली अवेकनिंग प्रोसेस होता है, आप थोड़े से हील हो जाते हो, कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है, उसके बाद जो है आपका मनी ब्लॉकेज दूर होता है। कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर चढ़ती है स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। एक डेढ़ साल बाद जब मार्च 2020 में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, और पिछले साल मार्च महीने में मेरा चैनल ग्रो किया, जबकि इस चैनल यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये जैसे भगवान ने ही बनाया, मेरी एक फ्रेंड मेरे बहुत पीछे पड़ गई कि भाई तुमको चैनल खोलना है, तो इसीलिए मुझे वो उससे डर के मैंने चैनल शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि YouTube इसको वायरल भी करता है या इससे कुछ इनकम भी कमाया जा सकता है। अभी तक तो YouTube से मुझे कुछ नहीं मिला, बट जो मैंने रेकी के वगैरह क्लासेस लिए, उससे ज़रूर मनी ब्लॉकेज डिवाइन फेमिनाइन का हील होता है। मतलब जब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मानो आप किसी जॉब भी पहले से कर रहे हो, पहले आप देखोगे कि बहुत स्ट्रगल के बाद जो है आपको सक्सेस नहीं मिल रही, ना आपको जॉब में अच्छा मिल रहा है, हर जगह चीटिंग होती है। जैसे मैंने भी एक जॉब किया था 2020 में, मुझे वहाँ सैलरी तक नहीं मिली और बहुत बैड ट्रीटमेंट मिला। तो इस तरह से जो है हर जगह डिवाइन फेमिनाइन का लॉसेस ही लॉसेस, मतलब लाइफ ऐसी रहती है मानो कोई श्रापित लाइफ हो। कहीं भी ना फैमिली में उसको बचपन से सुकून मिलता है, ना हस्बैंड के पास मिलता है, ना किसी कनेक्शन में मिलता है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद तो बहुत ही बड़ा टावर फूटता है। जैसे आपने टावर का कार्ड देखा होगा, एक जैसे एक मंजिल जो है, एक बिल्डिंग जल रही है, नीचे लोग कूद रहे हैं, उस तरह से। तो वो कभी सोचते नहीं कि उसके लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। जनरली क्या होता है दोस्तों, अवेकनिंग की अगर मैं बात कहूँ, तो मान लो आपकी अगर राहु की महादशा शुरू है, तो केतु की अंतरदशा में जो है आपके अवेकनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरी भी अवेकनिंग राहु की महादशा में जब केतु की अंतरदशा आई, तब हुई थी। और दोस्तों उसके बाद जो आती है शुक्र की अंतरदशा आती है, जब राहु के साथ शुक्र की अंतरदशा आती है, तो सडन से आपको मनी अबंडेंस मिलना शुरू हो जाता है। कहीं से भी आपकी लाइफ में पैसा आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, आप सुंदर दिखने लगोगे, इसके साथ थोड़ी बदनामी भी आपकी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें होती है, उस समय आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ जो होती है कार्मिक से बहुत घिरी हुई रहती है। कि ये सच है कि अवेकनिंग के बाद थोड़े टाइम के लिए कार्मिक शांत हो जाते हैं। वो इसलिए शांत होते हैं, वो आपकी ग्रोथ देखकर शांत होते हैं, क्योंकि वो आपकी थर्ड डायमेंशन की दुनिया है। यहाँ पे किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो लोग उसको अच्छा बिहेव करते हैं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आपको अशुभ समझते हैं, सारा दोष आपके सर पे मार दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कार्मिक्स होते हैं वो फिर से आपका पैर खींचने की कोशिश कर सकते हैं, और डेफिनेटली करते हैं। कार्मिक इतनी जल्दी नहीं सुधरते हैं, मैंने वो भी आपके पिछले पास लाइफ के कर्मा ही होते हैं, जब तक वो पे ऑफ नहीं होते हैं आपको बार बार जो है वो स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कभी भी जब अबेंडेंस आपकी लाइफ में आए, तो मेरी तरह आप शो ऑफ मत करना, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ जो हुआ
बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई। मैंने बहुत अबेंडेंस कमाई एक साल में, लेकिन उसके बाद जो है सडन से लक्ष्मी बंधन नाम का प्रयोग किया गया, जिसके बाद जो है मेरी अबेंडेंस छीन ली गई, मेरी हेल्थ खराब हो गई, मेरा चेहरा खराब होने लगा, इस तरह से जो है सारी ही चीज़ें छीन ली गई। तो जो बुरी नज़र वाले होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, वो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं देख सकते। आप सोचोगे कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं, ना मैं किसी के लिए आगे हूँ ना पीछे हूँ, तो ये लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये सुधर नहीं सकते, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा है। जब तक वो पे ऑफ नहीं करेंगे, ये आपको सताएंगे। मैंने एक ड्रीम देखा, मेरे बुआ के हस्बैंड ने और बुआ ने मिलके जो है लक्ष्मी बंधन प्रयोग किया था। जो ड्रीम में मैंने काफ़ी इसमें बताया था, तो फिर भी इसमें बताती हूँ दोस्तों। मैंने ड्रीम में देखा कि बाहर की दहलीज जो होती है दरवाजे की, मेन डोर की, उसको पलट के लगा दिया है। मतलब जो लक्ष्मी के कदम पहले उसके ऊपर जो थे वो घर के अंदर जाने वाले थे, अब वो बाहर है। और उसके बाद मैंने देखा कि घर के पिछवाड़े में जो है बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, मानो कोई बंधन कर रहा हो, ना हवा आ रही हो ना और कुछ आ रही हो, और अंदर बाथरूम है। मतलब ये ब्लैक मैजिक की सूचना देता है जब भी इस तरह से दिखाई देता है। मतलब बाथरूम, देखिए कभी भी बाथरूम ज़्यादातर पुराने घर में खुले में होता था, क्योंकि वहाँ पे पानी का सड़ना, बदबू वगैरह, ये सब, गंदे कपड़े हम वहाँ पे साफ करते हैं, अपनी गंदगी धोते हैं। ऐसे में जो है बाथरूम अगर खुले में हो तो साफ सुथरा रहता है, बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बाथरूम को अंदर रख के चारों तरफ दीवारें बहुत ही ऊंची ऊंची बना दी, कोई हवा ना आए, मतलब निगेटिविटी अंदर कैद रहे। उसी ड्रीम में, मतलब जिस भगवान ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा लक्ष्मी बंधन किया हुआ है, उसी भगवान ने भी जो है उपाय भी बताए कि कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों की सेवा करो। उसमें मुझे दिखाया गया घर में चार छोटे छोटे पपी दिख रहे हैं और बाहर भी कुत्ता दिख रहा है, और मैं जो हूँ बाहर के कुत्तों को खाना डाल रही हूँ, घर में भी कुत्ते पाल रही हूँ। इस तरह से जो है मुझे बार 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 गाइड किया गया कि तुम कुत्ता पालो, कुत्ता पालो, और मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब मर जाऊँ इस तरह से। तो मतलब ये प्रयोग जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए आपकी शक्ति जो है ऊपर चढ़ी है, मतलब आपकी कुंडली अवेकनिंग हुई है, तभी आपके पास पैसा आया है। जब आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, ये किसी भी कारण से हो सकता है कि आप अपने ट्विन को छोड़ के अगर किसी और कनेक्शन में जाते हो, तब भी आपकी एनर्जी लो हो जाती है, चक्रों की जो है सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं, चक्रा स्पिन करना बंद कर देते हैं। ऐसे में कोई भी इजीली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक कर सकता है। तो देखो कितने भी प्यारे सोलमेट्स अगर आपकी लाइफ में आए, तो ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जाता है कि भाई अब आपको ऊपर उठना है, अब आपको स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करनी है। क्योंकि सोलमेट कितने भी प्यारे हो, जब आप उनमें अटक जाते हो, फंस जाते हो, आपकी एनर्जी लो चली जाती है। क्योंकि सिर्फ एक ट्विन फ्लेम ही है, भले ही वो आपको कोई खुशी ना दे, भले वो आपसे मिले नहीं, बात नहीं करे, आपकी कोई मदद नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, बट इस जर्नी में आपका विकास होता है। बाकी कार्मिक कनेक्शंस में भी आप तो बर्बाद ही हो जाते हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो जाता, क्योंकि कार्मिक एक तरह से वैम्पायर ही होते हैं, जो आपकी पूरी एनर्जी को खींच लेते हैं। और कहीं ना कहीं जब सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जैसे सोलमेट, मेरी सोलमेट तो फीमेल है, फिर भी जब मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो गया, तो मुझे ड्रीम में दिखाया गया कि वो जा रही है बस स्टैंड में, वो बस में बैठ के जा रही है, अलविदा कह रही है। उसके जाने के बाद मैं उसको मिस कर रही हूँ, तो अभी भी मैं उसको मिस करती हूँ। लेकिन दोस्तों जब सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और जबरदस्ती हम उस रिश्ते को खींचते हैं, क्योंकि हमें उस रिश्ते की आदत हो गई है, उस रिश्ते ने हमारी बहुत केयर की है, जो भी है, जिस भी बेनिफिट की वजह से या प्यार की वजह से आपको सोलमेट की याद आती है, बट जो सोलमेट से अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, फिर भी आप उस रिश्ते को खींचना चाहते हो मोह की वजह से, तो कुछ वैम्पायर एनर्जीज को जो है बीच में डाल दिया जाता है, जो कि आपको मजबूर करती है अपने सोलमेट से दूर होने के लिए। अदरवाइज जो है, और ऐसे में जब आप अपने ट्विन को छोड़ के सोलमेट को सिलेक्ट करते हो, आपकी एनर्जी थोड़ी ना थोड़ी लो चली जाती हो, ऐसे में बहुत सारे निगेटिव अटैक्स, फिर वो जिन हो, ब्लैक मैजिक हो, ये आपके ऊपर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
जब आप डिवाइन मैस्कुलाइन के कनेक्शन में रहते हो, आप स्ट्रांग रहते हो, कोई मतलब ब्लैक मैजिक असर भी कर रहा हो तो उतना नहीं करेगा, या आप प्रोटेक्टेड रहते हो क्योंकि आप अपने फुल पावर में रहते हो, अपनी सोल से जब आप कनेक्टेड रहते हो अदर हाफ से तो आप अपने फुल पावर में रहते हो। लेकिन जैसे ही आप डिवाइन मैस्कुलाइन को कट ऑफ कर देते हो लाइफ से और किसी और कनेक्शन में चले जाते हो, तो बदले में एनर्जी लो ही होती है और कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। सेम जैसे आपसे सेपरेशन होने के बाद आपके डीएम की लाइफ में भी बैंड बज जाती है, उसका भी बिजनेस लॉस शुरू हो जाता है क्योंकि वो अपनी खुद की ही सोल को कट ऑफ कर देता है। 3D में फंस के वो जो है अपनी ही सोल को अपना मानने से इनकार कर देता है, तभी उसको बहुत सारे लेसन मिलते हैं। सेम उसी तरह आप अपने फायदे के लिए सोलमेट को जब चुन लेते हो और डिवाइन मैस्कुलाइन को रिजेक्ट कर देते हो, उसको भूल जाते हो, अब उसको उसकी याद भी नहीं आती, या उसके लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट ऐसा तो नहीं कर सकते डिवाइन फेमिनिन अपने ही डीएम के लिए कुछ बुरा, बट जो भी हो उससे रन करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि डेविल अटैक्स, इविल अटैक्स, जो भी रॉन्ग एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, फिर वो कार्मिक के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, इतने एडवांस बढ़ जाते हैं, फिर आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आपको किसी के भी कनेक्शन में नहीं आना है, मतलब न सोलमेट न कार्मिक, इवन आप अपने डीएम को भी भूल जाते हो, आप चाह कर भी आप किसी कनेक्शन में आप जा नहीं पाते हो क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी कनेक्शन में जाओगे आपकी एनर्जी लो होगी, और जैसे ही एनर्जी लो होती है उसी चीज़ का फ़ायदा हमारे कार्मिक्स लेना शुरू कर देते हैं और सडन से हमारे ऊपर मनी बंधन, मतलब लक्ष्मी बंधन, विवाह बंधन, यहाँ तक लोगों के मतलब मैंने जो एग्जाम्पल सुने कोक बंधन भी किया जाता है, मतलब जब तक ये करते रहते हैं दोस्तों कभी भी ना उस स्त्री को बच्चा हो पाता है, ना उसका विवाह हो पाता है, ना उसके पास पैसे आते हैं। तो लक्ष्मी बंधन के लिए मैंने तो बहुत सर्च किया कि भाई किस तरह से इस लक्ष्मी बंधन को काटा जाए, तो बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, और जो ड्रीम में उपाय बताया था वही थोड़ा बहुत काम आया। और मुझे जब मैंने सोचा कि मैं क्यों पपी खरीदूँ, क्योंकि मुझे कोई भी पपी नहीं मिल रहा था और जो पपी मुझे पसंद आया था उसकी 18,000 कीमत थी, तो मुझे सडन से एक ड्रीम दिखाया गया कि किसी मेरे सोलमेट फ्रेंड ने जो है जो सिज्जू पपी मैंने खरीदा कि उसकी उंगली तोड़ के जो है, मतलब खरीदने से पहले उंगली तोड़ के जो है मेरे हाथ में दे दी, उसी दिन मेरे पास 4,500 रुपये आए। तो मुझे लगा कि भाई अगर इसकी एक उंगली तोड़ने से मेरे पास 4,500 आए थे, क्योंकि 4 महीने से मेरे पास कुछ नहीं पैसे आए थे, क्योंकि मनी बंधन मतलब लक्ष्मी बंधन जब किया जाता है तो इस तरह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है कि आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अब आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने बहुत लोगों से जो डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे मणिपुर चक्र पे काम करने को बताया, अगर आप रेकी सीखते हो, रेकी जानते हो, तो आपको मणिपुर चक्र पे रेकी लेनी चाहिए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी सिखाती हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझसे सीख सकते हो। सिट्रिन भी आप पहन सकते हो, जो क्रिसिट्रिन के ब्रेसलेट्स मेरे पास अवेलेबल है, सिट्रिन भी आप पहन सकते हो, उसको प्रोग्राम करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप खुद भी प्रोग्राम कर सकते हो क्रिस्टल रेकी सीख के, और अगर आपको प्रोग्रामिंग कराना है तो 500 रुपये देकर आप मुझसे वो प्रोग्रामिंग करा सकते हो। प्रोग्रामिंग के बाद वो रेज छोड़ना शुरू करता है। तो ऑल टाइप्स के ब्रेसलेट, स्टोन, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, जो भी क्रिस्टल रेकी से रिलेटेड या जो भी आपको ख़रीदना है सारे ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। कम्युनिटी में मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले अपने फेसबुक माधुरी देशपांडे, और इंस्टाग्राम पे भी जो है मैंने काफ़ी इमेजेस डाली, आप देख सकते हैं, आपको कुछ पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपकी अवेकनिंग हुई है और आप कंफर्म हो कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, तो याद रखिए आपका मनी ब्लॉकेज दूर होना ही है। तो इसलिए जो है तो आपको हर वो कोशिश करना चाहिए कि गलती से भी आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। अब आप किसी कनेक्शन में नहीं जा सकते, जैसे आप किसी कनेक्शन में जाते हो तो जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर नाराज़ हो जाता है और आपकी एनर्जी लो में चली जाती है, और फिर जो है आपके मनी ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक शुरू हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है अपनी लाइफ को शो ऑफ करना, जिस तरह मैंने गलती की, अपनी लाइफ को शो ऑफ किया कि भाई मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं अब,
तुरंत आपके शत्रु जो है अलर्ट हो जाते हैं, तुरंत आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जेलसी वगैरह शुरू हो जाते हैं। डोंट शो ऑफ, आपको जरूरत नहीं है आपके पास पैसे आए हैं ना आए हैं, तो बिल्कुल भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी जो हूँ लक्ष्मी बंधन से जूझ रही हूँ, और मुझे सच में आज कल की चिंता है कि अगर ये मनी बंधन लक्ष्मी बंधन कम्प्लीटली नहीं टूटा तो क्या होगा। तो इस तरह से आप वो गलती मत कीजिए, क्योंकि जो खुशियाँ आपके नसीब में आनी है वो आने से पहले ही छिन जाएगी। आपको बिल्कुल भी किसी से, मैं तो कहती हूँ कि ना ट्विन फ्लेम जर्नी को डिस्कस कीजिए ना थर्ड पार्टी से, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की, मैंने फेसबुक पे शेयर किया, मैंने यहाँ वहाँ शेयर किया, मैंने थर्ड पार्टी से शेयर किया ट्विन जर्नी के बारे में, मतलब आ बैल मुझे मार इस तरह से। अगर मैं चुप रहती और अपने डीएम को भी ना बताती, किसी को भी ना बताती, तो बेवजह शत्रु मैं मोल नहीं लेती। मतलब जो होना है वो तो होना ही है, और डिवाइन टाइमिंग पे ही रियूनियन होता है। ओके, रियूनियन हमेशा आपको बोला जाएगा कि भाई इनर वर्क से जो है आप रियूनियन हासिल कर सकते हो, तो ये स्टोरी गलत है दोस्तों। क्योंकि ये हो सकता है कि उस रियूनियन को बनाए रखने के लिए, मतलब आपका रियूनियन मानो जिस टाइम पे लिखा है उस टाइम पे होने के लिए ज़रूर इनर वर्क काम कर सकता है। वरना क्या होगा कि एनर्जी अगर लो चली गई तो वो रियूनियन होने वाला होगा तो वो भी डिले हो सकता है, क्योंकि एनर्जी, निगेटिव एनर्जी बहुत ही एडवांस फास्ट तरीके से काम करती है, और पॉजिटिव एनर्जी को बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए आपको इनर वर्क ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें बोल के जो है चैनल्स वाले आपको उल्लू बना रहे हैं। आप रेकी से आपका इनर वर्क अगर स्टार्ट करते हो तो एक कंप्लीशन, बोलते हैं ना समाधि की स्टेज को आप प्राप्त कर सकते हो, समाधि का आनंद ले सकते हो, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। ऑरा क्लीनिंग करना एवरी डे जो है, ऑरा क्लीनिंग करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहाने के पानी में जो है आपको नमक डाल के नहाना चाहिए। ऑरा क्लीनिंग के भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है, वो आपको करना चाहिए। पहले मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी कि देवताओं का भी बंधन होता है, मैं उस चीज़ को उड़ा देती थी। पर दोस्तों ये जितनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होती है उतनी ही पावरफुल जो है निगेटिव एनर्जी होती है। अंधेरी रात में सूरज कितना भी पावरफुल हो दोस्तों, रात में वो अपनी रोशनी दे ही नहीं सकता। उसी तरह से जितनी पॉजिटिव एनर्जी पावरफुल है, निगेटिव एनर्जी भी उतनी ही पावरफुल है। जब वो अपना असर दिखाती है तो पॉजिटिव एनर्जी का भी कोई अस्तित्व उस समय के लिए नहीं होता है। तो अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो याद रखिए आपका मनी ब्लॉकेज खुलने वाला है। सडन से कहीं से भी आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आएगी, उसको बनाए रखना है। तो डोंट कॉल एनिमीज को मत कलेक्ट कीजिए, उल्टे जवाब मत दीजिए, मैंने जो गलतियाँ की ओके शो ऑफ मत कीजिए। मैं शायद बहुत भोली हूँ उस मामले में, मेरे बात पेट में कोई बात नहीं रहती। तो मैंने जो गलती की है, मेरे मुझे जो सबक मिला है वो आप याद रखना, ओके आप याद रखना। और आप कभी भी जो है, शायद मुझे भी इसलिए सबक मिला है कि मैं आपको बता सकूँ दोस्तों। जो होते हैं मतलब दूसरे लोगों को मैंने देखा है कि वो बच्चे ऑलरेडी अलर्ट होते हैं, माँ बाप ने उनको सिखाया रहता है कि किस तरह से ब्लैक मैजिक होते हैं और हमको जो है शो ऑफ नहीं करना। लेकिन डिवाइन फेमिनेंस बहुत भोली होती है, फैमिली का अटेंशन उनको नहीं मिलता है, और वो तुरंत अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को जो है शेयर कर देती है, अपने कई सारे जो है मतलब जो पर्सनल चीज़ें भी वो इजीली लोगों को बता देती है। उसके अंदर वो नहीं होता है कि क्या उसको छुपाना चाहिए, क्या उसको बताना चाहिए। वो मतलब दिल की बहुत ही साफ होती है कि उसके दिल में कोई बात नहीं रहती, जिसका फ़ायदा जो है उसके एनिमीज, उसके कार्मिक उठाते हैं। तो गलती से भी ये शो ऑफ सिचुएशन आप मत करना, वरना ऐसे प्रयोग जो होते हैं वो किए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने डीएम को बताते हो, देखो वो तो वापस आना ही है, और डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन भी ये सोचते हैं, याद रखिए कि आपके अंदर उन्हीं की सोल होती है, वो आपको इतना भयंकर डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करती है। तो वो भी एक टाइम सोच में आ जाता है कि कहीं ये लड़की मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करती, क्योंकि आज तक इतनी इंटेंसिटी मैंने किसी के मामले में
महसूस नहीं की है, लेकिन ये जो है मुझे पागल कर रही है और मेरे दिमाग से हट नहीं रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में वो भी सोचने लगते हैं कि कहीं मेरे ऊपर कुछ किया धरा तो नहीं है। अगर आप ऐसे में उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताते हो या थर्ड पार्टी को बताते हो, कई मामले में थर्ड पार्टी आपकी दोस्त हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ऐसे में थर्ड पार्टीज को अगर आप बताते हो तो वहां से आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक, आपके डीएम के ऊपर भी ब्लैक मैजिक। डू नॉट शो ऑफ योर रिलेशनशिप, डू नॉट शो योर, मतलब आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, डोंट शो, बिल्कुल शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी अब से, मुझे मतलब इतने लेसन मिल चुके हैं, तो मैंने ये सोचा है कि इस चैनल को मैं अब बिल्कुल प्रोफेशनली, उसमें कुछ भी पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी है और बिल्कुल प्रोफेशनली इसको चलाना है, अगर ईश्वर परमिशन देते। मेरा तो मन उठ गया था, फिर साईं बाबा से मैंने पूछा कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज़ में जो है मेरी ग्रोथ हो सकती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, तो बाबा ने भी मुझे ट्विन फ्लेम का चैलेंज चलाने की परमिशन इसी में दी है। तो ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो ईश्वर परमिशन देते हैं वही हमको करना चाहिए। ग्रोथ हमें संभालना, हमारी टेक केयर करना, तो पूरा ईश्वर का काम है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे एनिमीज इतने स्ट्रांग हैं, तो जानबूझ के उनको आवाहन करना, आ बैल मुझे मार, ये भी बहुत गलत है। आप अपने चैलेंज, मतलब आप एनर्जी गलत जगह खर्च कर रहे हो, वही एनर्जी आप जो है पूजा पाठ में लगाते हो, मंत्रा चैंटिंग में लगाते हो, गणेश जी की आराधना कीजिए, शिव परिवार की आराधना कीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। वैसे भी जो है ब्लैक मैजिक होते ही है, जो डार्क सोल्स जो है आपको परेशान करती ही है, ऐसे में बटुक भैरव या काल भैरव की आप साधना कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र, नवार्णव मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव परिवार का आप आराधना कर सकते हैं, आप जो है प्रदोष व्रत कर सकते हैं, सोमवार कर सकते हैं, और जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के लिए अथर्वशीष के पाठ कर सकते हो, आपकी बहुत मदद आपको उसमें मिलेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, तो कुछ ना कुछ मतलब आपको चैंटिंग, अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करें, आप अपने जो है एंसेस्टर की हीलिंग करें, ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल से, मतलब ग्राउंडिंग से कनेक्टेड रहिए, पेड़ पौधों से कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना है। आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि निगेटिव अटैक्स इतने होते हैं। और बार बार ईश्वर से गाइडेंस मांगना चाहिए। मान लो मैंने आपको बोला है कि रेकी सीखिए, या कोई और चैनल बोल रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास सीखिए, या तो आपको ईश्वर से अपने एंजल्स को आवाहन करना चाहिए और उनसे गाइडेंस पूछना चाहिए कि मुझे किस चैनल को सब्सक्राइब करना है, किस चैनल को फॉलो करना है, किस चैनल के जो है इनर वर्क मुझे खरीदने हैं, क्या अगर मैं बताती हूँ रेकी अच्छा है तो क्या सच में रेकी अच्छा है, क्या रेकी के थ्रू भी इनर वर्क हो सकता है, क्या रेकी सच में इतनी पावरफुल है। आपको एंजल से, अपने आराध्य से गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलता है, वरना अगर आप किसी फॉल्स चैनल में, ये बात मेरी हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी फॉल्स चैनल में जो कि ट्विन फ्लेम है भी नहीं, और वो गाइडेंस आपको इतना एक्यूरेट दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं, बट आप जब उस फॉल्स चैनल में अपनी एनर्जी डालते हो, आपकी ग्रोथ नहीं होती दोस्तों, आप डे बाय डे लो में चले जाते हो, डे बाय डे जो है आपकी आपकी मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। इवन मैंने ऐसा देखा है, गलत इनर वर्क खरीदने से, उन्हें जो सबकॉन्शियस हीलिंग वगैरह के वीडियो खरीदे थे, लिटरली वो सुसाइड तक चले गए, मतलब इतना इम्पैक्ट उनके उस वॉइस से हुआ, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, गलत एनर्जीज जो होती है, वो भी ट्विन फ्लेम का चैनल खोल के बैठ जाती है। ऐसे में गलत एनर्जी की गाइडेंस, गलत एनर्जी के सोल के कॉन्ट्रैक्ट, सोल से कनेक्ट रहने के कारण जो है आपकी एनर्जी लो में चली जाती है, लिटरली सुसाइड्स के थॉट्स भी आते हैं। ऐसे में एक सोल को जो है हमेशा ईश्वर को कनेक्टेड रहना चाहिए। हमें जो है अपना नामस्मरण जो है जप हमेशा कायम रखना चाहिए, मंत्रा चैंटिंग भैरव का तो बहुत करना चाहिए इस जर्नी में, क्योंकि भैरव शिव के ही अवतार है, और शिव से रिलेटेड हर एक चीज़ आप गूगल पे सर्च कीजिए, भगवान शिव से रिलेटेड, उनके अघोर रूपों से रिलेटेड,
जैसे बटुक भैरव हो या जो भी हो, और उनकी आराधना आप कीजिए, प्रदोष व्रत कीजिए। आप देखो जितना शिव का आप करेंगे, और जितना मतलब दोस्तों मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं किसी से डिस्कस कर जाती हूँ, मैं लो में जाती हूँ, वो तो बहुत बड़ी तारीफ करते हैं कि मैम हमारी तो लाइफ सुधर गई, हमारी तो लाइफ बन गई, ये हो गई वो हो गई, लेकिन आप देखोगे आप ड्रेन हो रहे हो जो है। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। लिमिटेड दोस्त और लिमिटेड चैनल को ही फॉलो करना, और जो है लिमिटेड गाइडेंस ही ठीक है। और रिलेशंस में, किसी भी रिलेशंस में जाने से पहले जो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि आप ट्विन जर्नी में हो, शिव शक्ति की जर्नी में हो, और ये मोक्षा की जर्नी में है। किसी भी रिलेशन में जब आप किसी भी मोह में जब फंस जाते हो तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है, फिर आप फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस सकते हो। इसीलिए ट्विन जर्नी को कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए, भले ही इसमें आपका रियूनियन हो या ना हो। ओके ओके, मैं ये भी नहीं कहती कि आपका रियूनियन कभी होगा नहीं, सबकी जर्नी अलग अलग है, तो सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती रहती है। किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। मान लो आपका 50 साल की एज में रियूनियन हो गया, मैं ऐसा नहीं मैनिफेस्ट करती, हो गया, क्या उसके आपके अंदर न वासना रहेगी, ना वो शादी की एज है, ना कुछ भी एज है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये सोल पर्पस की जर्नी है, कुछ ना कुछ सोल पर्पस आपको जरूर दिया जाता है। जैसे मेरा पर्पस है लोगों को रेकी सिखाना, जीवन के अमृत तक उनको पहुंचाना, उनसे कनेक्ट होना, और जो भी खुशनसीब आत्माएं होंगी या जिनके साथ भी भगवान ने जिनको चूज किया वही मुझसे कनेक्ट होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर जोर नहीं डालती, फिर भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये ट्रू डिवाइन फेमिनिन का चैनल है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और डिवाइन फेमिनिन के ग्रोथ के लिए उसके पास ब्रेसलेट्स खरीदिए, और रेकी सीखिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखिए, आकाशिक रिकॉर्ड भी मैं सिखाती हूँ उसको भी सीखिए, और हॉरोस्कोप रीडिंग भी सीखिए, साथ में सबकॉन्शियस हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। मैं अगर मेरी आवाज़ से आप कनेक्ट करते हो, आपको लगता है कि मेरी आवाज़ सुन के आप हील हो रहे हो, या मेरी आवाज़ से कुछ ना कुछ अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है, अच्छा कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, तो मेरा डेली इनर वर्क का मेडिटेशन है जिसका 900 रुपये प्राइस है, और बहुत ही ग्रेट उसके रिजल्ट है। एक तो आप उसको सो के सुन सकते हो, या चलते फिरते भी आप उसको सुनोगे तो आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। देखो आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो ईश्वर से भी गाइडेंस मांगनी है कि किसी भी गलत चैनल से कनेक्ट ना हो। एक ना एक दोस्तों आपकी सोल ही आपको बता देती है, जब भी किसी गलत चैनल से आप कनेक्ट होते हो आपकी अंतरात्मा ही आपको बोल देती है कि भाई दिस इज नॉट, भले वो कितना भी बड़ा गाइडेंस दे, कितना भी बड़ा। और हमेशा याद रखिए जो डी अप होती है वो भोली होती है, बहुत शार्प माइंडेड पीपल आपको जो है अच्छी गाइडेंस तो दे देंगे, लेकिन आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, बस आपके पैसे चले गए, बाद में आपकी एनर्जी लो हो रही है उस तरह से। तो कनेक्ट रहना चाहिए अपने ईश्वर से, नामस्मरण करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई अच्छी ही आत्माओं से मुझे कनेक्ट कनेक्ट करवाइए, दोस्त हो, सोलमेट्स हो, या जो भी हो, अच्छे चैनल्स हो, और अच्छे इनर वर्क ही खरीदना चाहिए। तो रेकी से अगर आप इनर वर्क खरीदते हो तो डेफिनेटली आपका रियूनियन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, उसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी, आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी, आपके एंसेस्टर को हीलिंग मिलेगी, हर टाइप की हीलिंग इसमें होती है। तो ज़रूर रेकी सीखिए, अगर आपको रेकी सीखना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। ओके दोस्तों, क्रिस्टल्स मेरे पास हर टाइप के अवेलेबल है, डेली इनर वर्क का मेडिटेशन अवेलेबल है, रेकी आप सीख सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो और हॉरोस्कोप रीडिंग ये करवा भी सकते हो और सीख भी सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।